दोस्तों अभी हम लोग कपास की खेती गए थे और कपास की खेती में भी हम लोग ने ढेर सारा रील्स बनाया। ये देखिए नानो क्या दिखा रही है और कपास भी लाए। और अगर आप लोग को हमारे रील्स हमारे वीडियो देखना है तो सावित्री कुमारी ऑफिशियल डांसर सनातन इंस्टाग्राम पे जाइए और हमारी वीडियो नटखट वाली शॉर्ट वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग जलपान भी हो गया, आज का होली स्पेशल ब्लॉग भी बनाए, अभी हमारी जलपान भी हो गई, हमारी छोटी छोटी रील्स भी बन गया। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि उधर जाके पूरी फैमिली के साथ और एक रील्स बना ले, उसके बाद घर जाएंगे, है ना। होली का ये त्यौहार सब मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ये अपने को समझाता है। और होली के त्यौहार की एक और विशेष मान्यता ये है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, इसलिए होली मनाई जाती है। जैसे कि भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप का वध किया था और इसलिए होली मनाई जाती है। जब भगवान विष्णु देवता जी ने नरसिंह अवतार लिया था, इस तरीके से दूसरे दिन इसको रंग से इस खुशी को जाहिर किया जाता है, इसलिए होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो बुराई पे अच्छाई की जीत कैसे हुई, इसके लिए ये विशेष है होली का पर्व। ना कि इस होली के पर्व में किसी को मारपीट करना, दारू पीना या ऐसे कोई भी गलत काम नहीं करने चाहिए, सब अच्छे काम करने चाहिए और होली को अच्छे से मनाएं, खुशियों का इस त्यौहार को पूरे परिवार के साथ मनाएं और बिना किसी कोई गलत काम के मनाएं। तो मेरे तरफ से सभी यूट्यूब वासियों को होली। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, आप सभी को फिर से हैप्पी होली। तो दोस्तों आज सभी को फिर से हैप्पी होली, बाय बाय।